खनिज अपने द्वारा प्राप्त सूचना पर कार्यवाही करते हुए शनिवार देर रात्रि में जिले के मुख्य मार्गों में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की औचक जांच की गई, जिसमें गिट्टी पत्थर का निर्धारित मात्रा से अधिक अवैध परिवहन करते पाए जाने वाले 6 वाहनों की धरपकड़ की गई है। ज्ञातव्य हो कि विगत दिवस कलेक्टर रीवा द्वारा TL मीटिंग में CM हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था, जिस पर खनिज निरीक्षक आरती सिंह की अगुवाई में जिले के बैकुंठपुर हरदी मोड़ में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिए योजना बनाकर वाहन चेकिंग लगाई गई। चेकिंग में परिवहन करने वाले रेत और गिट्टी के 8 वाहनों में ETP एवं निर्धारित मात्रा में सही और वैध पाई गई। इसके अलावा जांच दल द्वारा रीवा बनकुलिया रोड में देर रात्रि में निरीक्षण के दौरान गिट्टी से लोड 6 डंपर अवैध परिवहन करते जाने पर जब्त किए गए हैं। सुरक्षित पुलिस थाना सिविल लाइन में खड़े कराए गए सभी आधा दर्जन वाहनों में अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। कार्यवाही में खनिज अधिकारी RK दीक्षित, खनिज निरीक्षक आरती सिंह एवं होम गार्ड अमला उपस्थित रहा। रीवा जिले में CM हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों पर गत रात्रि अवैध परिवहन के वाहनों की जांच की गई थी। इसमें कलेक्टर मैडम द्वारा CM हेल्पलाइन की शिकायतों में प्राप्त शिकायतों पर गंभीरता से प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश TL मीटिंग में दिए गए थे। इसके तारतम्य में आगामी जनसेवा शिविर भी आयोजित किया जाना है। इसको देखते हुए पूरे जिले में जहाँ जहाँ से शिकायत प्राप्त हो रही है वहाँ वहाँ पर प्रभावी कार्रवाई खनिज अमले द्वारा की जा रही है। इसी के चलते गत रात्रि रीवा बनकुनिया रोड पर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई थी, जिसमें 6 वाहनों में गिट्टी का परिवहन करते हुए बिना दस्तावेज और निर्धारित मात्रा से अधिक खनिज का परिवहन करते पाए जाने पर 6 वाहनों को जब्त किया है, जिनमें अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आने वाले समय में भी अलग अलग समय पर ऐसी औचक निरीक्षण किए जाएंगे और आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। विगत माह भी अभियान चलाकर 50 वाहनों पर हमने कार्रवाइयाँ की थी, जिस पर लगभग 20 लाख रुपए जुर्माना निरूपित कर वसूला गया था। इन वाहनों पर भी जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में भी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित की जाएंगी। तो CM हेल्पलाइन के कितने लंबित प्रकरण थे? CM हेल्पलाइन में यदाकदा शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसमें से 6 शिकायतों पर गत रात्रि कार्रवाई की गई है। आगे भी और जो ग्रामीण स्थलों की शिकायतें हैं वहां पर भी जाकर मौके पर जाकर कार्रवाई की जाएगी।